भाई पीछे थोड़ा पीछे पीछे। खान साहब आपने तो एक तरह से एक्सटेंशन दे ही दिया है। नहीं उधर आ जाना उधर ही खान साहब नए एक्सटेंशन तो एक तरह से दे दिया आपने। खान साहब खतरनाक के अलावा कुछ है साहब पे जाने एक मिनट आ जाए सारे डॉक्टर एक मिनट नीचे बैठ जाओ आराम से सब सबको लाइव है राजू भाई माइक आगे कर आराम से पीछे हट जाओ यार बाप तो पीछे अच्छा अच्छा नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ ये वाला माइक एक मिनट खान साहब नीचे बैठ ये पकड़ लीजिए बस एक मिनट ये आ गई वो जियो का आ गया जियो का रह गया वो पीछे रह गया। माइक ऊपर करो मेरा लाइव जा रहा है माइक ऊपर करो पहली माइक ऊपर कर आपने पेरेंट्स हुई है और मैं अपनी सारी कॉम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए 26 साल मेरी पॉलिटिक्स है हमेशा कानून और आइन के दायरे में बैठ हर चीज़ हर एक्शन कानून और आइन के दायरे में रह के मैंने किया आज मैंने पेरेंट्स भी इसलिए दिया है हालांकि मुझे पता है ये बिल्कुल एक मजाक है मजाक क्यों है सारी दुनिया के सामने ये मजाक है क्योंकि दुनिया मुझे जानती है तो वो सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट दी अब दहशतगर्दी सारी दुनिया जानती है दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी को भी ये कहें कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा किस चीज के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर यानी उनको दो दिन शबाज गिल को अखवा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया उसका उसको नंगा करके उसके ऊपर जंसी तशद्दुद किया गया और उसके ऊपर हमारा सिर्फ क्या हमने क्या कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी की दफा लगा दें ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है ये मेरा नहीं है ये मुल्क दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि दहशतगर्दी की सारी दुनिया डेफिनेशन जानती है तो उसके ऊपर खैर मैं सवालों के जवाब तो दे दिए हैं लेकिन मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे फिर सैलाब आ गया फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से इस आराम से पुरमन तौर पे अपने इत्तेजाज करते हैं पैसे हम इकट्ठे करने लगे टेलीथॉन के ऊपर पैसे इकट्ठे किए इन्होंने चैनल्स पे बैन कर दिया आप ये सोचें कि सैलाब जदगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं इन्होंने केबल्स बंद करवा दी उसके बावजूद 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया और मैं मुझे हैरत यह है कि कहते थे सैलाब के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं कर रही और इस वक्त सैलाब के ऊपर ही इस खौफ से है कि लोग पैसे बहुत दे देंगे क्योंकि इनको तो चोरों को तो कोई पैसा नहीं मिलता इसकी वजह से इन्होंने बंद किया TV पे भी कवरेज सैफुल्ला नियाजी सेनेटर उसके घर के ऊपर कल FIR घुस गई पता नहीं कितने 150 केसेस कर दिए हैं जो लोग हमें फंडिंग करते थे पॉलिटिकल फंडिंग करते थे उनको हरासा किया जा रहा है उनको डराया धमकाया जा रहा है उनको जाके कहा जा रहा है उनके पास FIR के नोटिसेस जा रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि मीडिया में भी बंद करें हमें सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने YouTube बंद कर दी
वो लोग जो कि एंकर जो ये समझते थे कि मेरी सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर एफआईआर दो बार भाग गए हैं, और फिर जो फंडिंग करते हैं पार्टी को उनके पीछे पड़ गए हैं। एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं, पब्लिक में आप नहीं निकल सकते, पब्लिक में जाते हैं लोग इनको चोर कहते हैं। वो सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी वो छुपे हुए हैं, सारे जो बेचारे इस वक्त तकलीफ में लोग सिंध में हैं वो पीपल्स पार्टी के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चला जाए तो लोग आप जरा देखें उनसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने चोरी कर करके पैसा सारा बाहर भेज दिया। सो इसलिए ये जो भी ये करेंगे, मेरा आज आप सब इन सबको कौम के सामने मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक टॉक हो सकती है, साफ और शफाफ इलेक्शन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, आईएमएफ की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, मईशत इनसे संभाली नहीं जा रही, आईएमएफ के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इनसे मईशत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। खान साहब आपकी सियासत क्या होगा सर अगर तोहिनी अदालत केस में आपको नहल कर दिया जाता? आप पीछे करना प्यारे भाई, देखिए वो तो अभी सब जुडिस है, वो तो अदालत के अंदर है, वो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। खान साहब आपकी खान साहब इंतजार वो कह रहे हैं ना, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। खान साहब एक सवाल लेंगे, खान साहब एक सवाल ले लें अगर ले।